हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने किसी शादी पे व्लॉग बनाया है। एक तो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए, मैंने अपनी शादी पे व्लॉग बनाना है, शादी पे व्यूज़ बहुत आते हैं। और दूसरा, मुझे किसी की बात याद आ गई, जब मैं स्ट्रगल के टाइम पे था, किसी ने कहा था यार तुझे कैमराओं का इतना ही शौक है तो जा वेडिंग शेडिंग कवर कर लिया कर, किसी फोटो लैब में छोटू लग जा। अब मैं शादी कवर तो कर रहा हूँ, वो तो आयरनी है, लेकिन अपने व्लॉग चैनल पे। सो ऑल द हेटर्स, गलत उंगली आ गई। आज मेरे यार की शादी है, आज ये एहसन अली शाह की शादी है। उसने फैसला ले लिया जिंदगी में कि वो अब अकेला और नहीं रह सकता, तो हम जा रहे हैं फैसलाबाद उसकी बारात अटेंड करने। मेरे साथ मोनिम है और ये कोट जो है, जी हाँ बिल्कुल, ये पीसा अवार्ड्स वाला ही कोट है, मैंने अपने बेटे के वलीमे पे भी यही पहनना है। अभी हमसे दूल्हा साहब जो है वो आगे निकल चुके हैं गाड़ी में। दूल्हे भाई बाहर मिट्टी है, मैं गंदा हो जाऊंगा। ये आराम से मिल रहा हूँ ताकि रिंकल ना पड़ जाए। अब पड़ पुड़ गए, सब खराब हो गया। मुझे तूने सारा के बारे में बताया। तूने मुझे सारा बताना कि कितना खर्चा आता है शादी पे, ठीक है? दो महीने की तेरी पे। मेरी 2 महीने की पे नहीं, इतनी नहीं है भाई। रुके क्यों है हम? पापा मेन बंदे का वेट कर रहे हैं। ये वेन्यू है जहाँ पे शादी होनी है। सामने स्टेज लगा हुआ है। ये सामने स्टेज लगा हुआ है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये दूल्हा दुल्हन ओ बैठेंगे उधर सामने पत्थरों पे। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे। एसन के अब्बू जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो वाली गाड़ी उनकी है, उन्हीं का वेट कर रहे थे। एसन के अब्बू ये रहे जी, देख करे स्वैग चेक करे, स्वैग चेक करे। अंकल का फुल स्वैग है यार, इस उम्र में जाके ऐसा दिखना है। मैंने अपनी जवानी तो मन भर के एंजॉय करनी है मैंने, लेकिन मुझे बूढ़ा होने में कोई मसला नहीं है। वैसे मुझे वो ग्रे बाल, जॉर्ज क्लूनी लुक और ये हाथ में सिगार हो, सूट पहना हो, बस ये मटके जैसा पेट अंदर कर रहा है। एक दफा कभी कभी तो लगता है अंदर से लात मार रहा है कोई। ये हमारी टीम नहीं है ना? नहीं, ये कोई और बारात है। लेकिन कहाँ से निकले, बाइक थोड़ी है मेरे पास 70 की। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा बूस्ट पाकिस्तान को मिला, क्योंकि सारों ने कपड़ा चाइना से लेना बंद करके पाकिस्तान से शुरू कर दिया। तो क्या ये पाकिस्तान की साजिश तो नहीं थी? ये आ गया रॉयल पाम मार्की, डबल इंडिकेटर आ गए। ऐसे इरादा बना रहा है कि जाए ना जाए, ऐसा डिसीजन ले रहा है कि करूँ कि नहीं करूँ शादी। आगे चलो भाई। मेरा जो है ये लिफाफा, मुझे लगा कम पैसे दिए हैं इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा डाल रहा हूँ उस पर। ये है 5 रुपये, ताकि उसको ऐसे प्लॉट व्लाट लेगा तो उसे हेल्प हो जाएगी ना कहीं पे। ये दूल्हे की तरफ से लोग आए हुए हैं और नहीं इधर, ये गाड़ियों में भाई क्या कर रहे हो? ओ भैया बाल तो बहुत अच्छे हैं यार तुम्हारे। यार ऐसे बाल मुझे भी चाहिए यहाँ पे जो ऐसे हो, और मैं बार बार यूँ करूँ। मोनिम तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि यार बाल बहुत ज्यादा आ गए यार। सामने देखिएगा, सलामी देने जा रहा हूँ थोड़ी देर। सलामी सलामी सलामी। ये इसमें से सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक तो प्लॉट लेना बैरिया टाउन में, मैं डीलर से बात कराता हूँ। पूछेगा ना मौली, पूछेगा आपको ये निकाह में, आई लव यू। क्या से क्या हो गए देखते देखते। फैसला बाद मेरा ससुराल है, मुझे झुकते मेरे। अभी तो जिम्मेदारियाँ आनी है बेटा, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो ऐसा क्या हो गया? हाथ नहीं है वो, मैं बता रहा हूँ, आई हैव एन इंजीनियरिंग रिंग, मैंने इंजीनियरिंग की है। कनाडा का मैरिज क्या हो गया? पहले कभी शादी नहीं की तुमने? टिप्स देना मोनिम यार, हाथ पकड़े तो ऐसे ताली मार दी। मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन। अब तूने क्या कर लिया? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तूने क्या करना है? मैंने नहीं करनी इससे शादी। ये हाथ पकड़ कोई यूं करके ऐसे, ये क्या करते हैं? हवा की डायरेक्शन बताते हैं ये क्या करते हैं? नहीं नहीं ये कंपास है। कंपास है,
किपले का बताता है यार वॉशरूम जाना है यार दूल्हा वॉशरूम जाता है कि नहीं जाता फिर वो दस्तखत वाली घड़ी आ गई जब एहसन ने डिसाइड किया कि हाँ यही है वो लड़की जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ यही है मेरी जिंदगी की हम सफर क्या आप अपने अपने हक में निकाह कबूल किया आमीन बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन वो घड़ी आ गई जिसका बहुत देर से इंतजार था खाना खुल गया मैंने सुना है मीठे में उन्होंने टिकटॉक से लड़के मंगाए हैं यार असल में वो क्या है कि थोड़ी डाइटिंग भी चल रही है हम थोड़ा सा लेंगे हल्का सा बस टच करके ज़्यादा बना गई जो ट्रेनिंग लौंडे को दी थी ना कि जब दुल्हन आए और जैसे नज़ाकत से हाथ पकड़ना उसको ले आना उसको बिठाना और कहना अब बहुत अच्छी लग रही है वो सारी ट्रेनिंग आखिरकार काम आ गई शर्मा क्यों रहा है ऐसे ऐसे क्या हो गया कभी शादी नहीं की जाहिर सी बात है जब आपकी बेगम बड़े नज़ाकत वाले अंदाज से स्टेज पे चढ़ने से पहले आपको हाथ थमाती है तो आप पकड़ लेते हो और तारीफ भी करते हो क्योंकि हाथ की तो लड़ाई थी शुरू से उसके माँ बाप के पास गए थे क्या करने हाथ मांगने तो एहसन अली शाह और हमारी परजाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब बोथ माई चैनल्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब